याद आता है ना, मैं बार बार क्यों लिखता हूँ, एक टिपिकल फॉर्मूला है बेटा, और यही चीज़ मैं आपको आपको सेल्फ रिवीजन के लिए इंसिस्ट करता हूँ, बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस के लिए बोलता हूँ सेल्फ से, कि ऐसे करोगे याद होगा आपको, ठीक है। आज मेरे को एक बच्चे का कॉल आ गया, मैं मतलब टोटली शॉक्ड हो गया। एक बच्चा एनडी की तैयारी कर रहा है, 12th की तैयारी कर रहा है, अभी साथ में बोर्ड है, और उस बच्चे ने कहा कि सर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास टाइम कम है। मैंने कहा बिल्कुल, तो आप कैसे पढ़ते हो? बोला मैं क्या करता हूँ सर, मैं जैसे मुकेश सर का मैथ्स का लेक्चर ओपन करता हूँ एप्लीकेशन पे, यानी पीडीएफ, यानी नोट्स, और नोट्स ओपन करके वो नोट्स को पढ़ लेता हूँ, तो सर वो मुझे थोड़ा समझ में कम आते हैं। मैंने कहा वीडियो लेक्चर देखा? सर वीडियो लेक्चर देखने का टाइम कहाँ है? तो मैंने कहा बिना वीडियो लेक्चर देखे तुम नोट्स पढ़ रहे हो? सर हाँ, लेकिन सर समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा तुम तो वही काम कर रहे हो कि दो बच्चे इंस्टीट्यूट जाते थे, एक ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, दूसरे ने नहीं, कि मैं रूम पे रहता हूँ, तू कोचिंग का फीस दे, कोचिंग पे पढ़, तू घर पे आने के बाद तेरे नोट्स से मैं पढ़ लूंगा। अगर नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन होता तो फिर तो कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, फिर तो टीचर्स लोगों की जरूरत ही नहीं है, बुक से पढ़ के सिलेक्शन निकाल लो। बेटा कॉन्सेप्ट पहले सीखना पड़ता है, पहले इधर को छापना पड़ता है, फिर उनको रिवाइज करना होता है। ये टोटली रॉन्ग अप्रोच है, 100% रॉन्ग अप्रोच है। पता नहीं किस मेथड से आप वहां पे पढ़ाई करना, इस तरीके की पढ़ाई कभी मत करना, केवल टाइम बर्बाद है, कुछ भी नहीं हो सकता।